सुप्रभात बच्चों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे हिंदी क्लास में। आज मैं आपको जो चैप्टर कराने वाली हूँ वो है आपका चैप्टर 4, पत्ते ही पत्ते, उसका रिवीजन। क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको आम की टोकरी का रिवीजन करवाया था और आज मैं आपको चैप्टर 4 का रिवीजन वर्क कराने वाली हूँ, ठीक है। इसको तो वैसे तो हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया है, बस उसी चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चन हम चुन कर लाए हैं जिसके हम रिवीजन वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे उत्तर लिखो, मतलब वन वर्ड में लिखना है एक शब्द में, जैसे बच्चे कैसे बैठ गए। यस, कौन बताएगा? वेरी गुड, गोलाकार में। ओके, दीदी क्या लेकर आई थी? यस, वेरी गुड, पत्ते। अच्छा, पत्ते किस रंग के होते हैं? वेरी गुड, हरा रंग का होता है। एक पत्ते का रंग कैसा था? यस, वेरी गुड, लाल रंग का था। अच्छा, गिनती कितनी तक गिनी गई? काउंट कितनी तक दीदी ने किया? यस, 5 तक। ओके, तो यहाँ पे हमारा वन वर्ड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से अगर आया, इस तरह के पैटर्न आया, तो आप इसको कर सकते हो। तो और हम कुछ क्वेश्चन भी आपको करके दिखाते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है एग्जाम में, किस तरह के पैटर्न आते हैं। तो उस तरह के अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको मार्क बिल्कुल भी कम नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक अनेक लिखो, मतलब एक है और एक से अगर ज़्यादा हुआ तो कितना होगा? ओके बच्चों, तो मैं कुछ क्वेश्चन पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद हम आंसर को डिस्कशन करेंगे। ओके, जैसे पत्ता, अगर एक पत्ता है, पत्ता है, एक से अगर ज्यादा हो गया तो यस, पत्ते। अच्छा, गोला, यस, गोले। झालर, झालर। झालर, झालरे, वेरी गुड। अच्छा, पटाखा, यस, पटाखे। ओके, उसके बाद बच्चा, वेरी गुड, बच्चे। ओके, तो बच्चों अगर एक और अनेक आया, इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके के जवाब जो है वो दे सकते हो। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध करके लिखो। शुद्ध करके लिखो बच्चों, मतलब कहीं पे वर्ड गलत है या मात्रा गलत है, मतलब अगर अक्षर गलत है या उसकी मात्रा गलत है तो आप इसको सही करके लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको कुछ लिख के दिया है, आप उसको करेक्शन करो कि उसमें क्या गलती है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको करेक्शन करेंगे, देखेंगे कौन सा अक्षर गलत है, कौन मात्रा गलत है। तो तरीका, यस, तरीका में ये बड़ी ई होगा, जो मैंने यहाँ पे छोटी ई लिखा है ये गलत है, आपको बड़ी ई करना पड़ेगा। अच्छा, पटाखा, नो, अभी अभी मैंने आपको बताया पटाखा। ओके, खुरदुरा, यस, इसमें आपको क्या करना है, छोटी ऊ करना है। ओके,
कथई 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 नहीं कथई, तो आधा थ तो आधा और थ और बड़ी की कथई। ओके, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आया कर सकते हो ना। यस वेरी गुड। अच्छा तो हम और कुछ क्वेश्चन भी आपको करके दिखाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, समान उच्चारण वाले शब्द लिखो। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको इसका भी उसी के चैप्टर रिलेटेड कुछ करवाया था, तो ये वाला जो करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड करवाएंगे। ओके, तो समान अर्थ वाले शब्द, सॉरी समान उच्चारण वाले शब्द, उच्चारण उसका एक जैसा होना चाहिए। ओके, जैसे मैं आपको देती हूं, यस सत्ता। अच्छा गोला, वेरी गुड, भोला, खोला, तोला, झोला, इस तरह से कई सारे शब्द आप लिख सकते हो। अच्छा पीला, यस नीला, ढीला, कीला, गीला, ऐसे कई सारे शब्द इससे आप लिख सकते हो। बड़े, यस खड़े, खड़े हैं स्टैंड मोड पे, तो उसी तरह आप जड़े बड़े तो इस तरीके का आप लिख सकते हो। ठीक है, तो और एक जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में और कुछ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन भी लिख के लाई हूँ, जैसे सही शब्द चुनकर लिखो। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने उसी चैप्टर से रिलेटेड करवाया था ये आपको, कि सही शब्द चुनकर लिखिए। ओके, जैसे क नंबर, दीदी ने डांस शुरू की। ओके, ऑप्शन में है बिनती या गिनती, तो बताइए क्या होगा। दीदी ने ब्यास शुरू की, यस गिनती, तो क्या करेंगे ना यहाँ पे लिख देंगे कि दीदी ने गिनती शुरू की। अच्छा ख नंबर, कि एक पत्ता ब्यास रंग का था। ओके, तो लाल या पीला, ओके तो किस रंग का था, यस अभी अभी मैंने बताया लाल रंग का था। ओके, तो इस तरीके के आप जब क्वेश्चन आया, जैसे अगर आता है तो आप इसको इस तरीके के कर सकते हो। हमने पत्तों को ब्यास करके देखा, छूकर कि तोड़कर, यस वेरी गुड, हमने पत्तों को छू करके देखा। तो बच्चों ये था आपका रिवीजन पार्ट जो वो चैप्टर 4 का। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आया, इस तरीके के पैटर्न आया, तो आप बहुत ही आसानी से आप इसका सामना जो वो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ। ओके बाय बच्चों।